नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने किस तरीके से एक बेस्ट फोटो स्टूडियो प्रिंटर के बारे में डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक फोटो स्टूडियो प्रिंटर कौन सा आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं, जिसमें मैंने एक कैनन ब्रांड के फोटो स्टूडियो प्रिंटर के बारे में आपको बताया। दोस्तों, वो प्रिंटर आपको कैसा लगा? अगर आपने अभी तक वीडियो वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया उस वीडियो का, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एप्सन ब्रांड के ही एक प्रिंटर के बारे में, जिसे आप यूज कर सकते हैं होम यानी घर में, ऑफिस में या फिर अपने शॉप पे। फोटो स्टूडियो में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देखने को मिलेगी, तो आप इसको होम, ऑफिस और अपने शॉप में यूज कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है इसकी स्पेसिफिकेशंस और कौन से ब्रांड का है। ब्रांड आपको पता चल गया होगा, हालांकि उल्टा दिख रहा होगा यहाँ पर एप्सन, बट एप्सन ब्रांड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या इस प्रिंटर की स्पेसिफिकेशंस, क्या इसकी प्रिंट क्वालिटी है और क्या इसका प्राइस आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवांग, आप देख रहे हैं मिस्टर क्रिएटिव देवांग यूट्यूब चैनल। तो ये जो चैनल है ये फोटो स्टूडियो से या फिर प्रिंटर रिलेटेड या फिर बिजनेस के टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस कंटेंट लेकर आता रहता है। तो आपको अगर ऐसी कोई वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्सन के एकोटैंक L3215A4 ऑल इन वन प्रिंटर के बारे में। इसी के साथ आप अटैच कर लीजिएगा 3216 को, क्योंकि दोनों के जो फंक्शंस हैं, दोनों की जो प्रिंट क्वालिटी है बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर मैंने अलग से कोई वीडियो उसका नहीं बनाया है, मैंने इसी में उसको इंटीग्रेटेड कर दिया है, क्योंकि दोनों की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल सेम आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इसके फंक्शन से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी इसके साथ लिखती है कि इम्प्रूव बिजनेस एफिशिएंसी विद क्वालिटी प्रिंट्स, यानी इसके जो प्रिंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी वाले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रिंट क्वालिटी जो इसकी है वो ठीक ठाक हाई लेवल की होती है। तो यहाँ पर इसकी बात हो गई। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो यहाँ पर प्रिंट, स्कैन और कॉपी दिया गया है। A4 साइज तक मैक्सिमम आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रिंटर में कॉम्पैक्ट इंटीग्रेटेड इंक टैंक यहाँ पर डिजाइन किया गया है और इसमें 4 इंक टैंक की टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कि इंक कौन कौन से हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ब्लैक, सियान, मैजेंटा और येलो, ये 4 प्रकार की इंक इसमें यूज होती है। दोस्तों, इस प्रिंटर को बिल्ड किया गया है हीट फ्री टेक्नोलॉजी के साथ, यानी ये इसमें गर्म होने की संभावना कोई भी नहीं है, चाहे जितनी देर तक आप इसको यूज करते हैं। दोस्तों, हाई यील्ड इंक बॉटल्स यहाँ पर मिलती है, जिसके साथ यहाँ पर आप ब्लैक से 4500 पेज और कलर को यहाँ पर 7500 पेजेस आप प्रिंट कर सकते हैं। इसका क्या मैटर, यानी ब्लैक 4500 और कलर का अगर जो 7500 पेज आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, जो पिछला फोटो स्टूडियो का वीडियो था उससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, एक सेट इंक बॉटल में कितने पेज प्रिंट होंगे, ऐसा कुछ उसका टाइटल है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये सिस्टम होता है कि एक सेट इंक बॉटल में 7500 पेजेस की प्रिंट और कलर की होगी और 4500 पेजेस की ब्लैक की होगी। इसका सारा मैटर मैंने उसमें समझा रखा है। अब दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक से, यानी प्रिंट स्पेसिफिकेशन से। तो यहाँ पर प्रिंट स्पेसिफिकेशन में ऑन डिमांड इंकजेट प्रिंट करता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं। और अगर बात करूं इसकी प्रिंट नोजल्स की, तो यहाँ पर 180 नोजल्स ब्लैक के लिए दी गई हैं और 59 नोजल्स पर कलर यहाँ पर कलर्ड के लिए यहाँ पर दिया गया है। बात करें दोस्तों मैक्सिमम प्रिंट रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पर 5760x1440 DPI इसका मैक्सिमम प्रिंट रेजोल्यूशन होता है। दोस्तों, बात करें अगर हम इस प्रिंटर की प्रिंट स्पीड की, तो यहाँ 4:6 साइज को हम एक रेशियो ले लेते हैं, तो इसके 4:6 साइज की फोटो को आप 69 सेकंड में प्रिंट कर देते हैं विद बॉर्डर, ठीक है, यानी 69 सेकंड में प्रिंट करते हैं बॉर्डर के साथ, और इसको 90 सेकंड में विदाउट बॉर्डर प्रिंट कर सकते हैं 4:6 साइज के फोटो को। बात करते हैं दोस्तों ड्राफ्ट प्रिंट स्पीड की, तो यहाँ पर ब्लैक की जो है 33 पेपर पर मिनट यहाँ पर देखने को मिल जाती है और कलर्ड की यहाँ पर 15 पेपर पर मिनट आपको स्पीड देखने को मिल जाती है, जो कि ड्राफ्ट A4 साइज के पेपर की स्पीड बताई जाती है। यहाँ पर दोस्तों नया प्रिंटर जब इंस्टॉल होता है, तो उसके बाद जो फर्स्ट प्रिंट आउट आपको देखने को मिलेगा वो 10 से 16 सेकंड के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी 10 सेकंड से 16 सेकंड के बीच में आप इससे पहला फर्स्ट जो प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। उसके बाद ये नॉर्मली प्रिंटर्स के तरीके से वर्क करेगा। बात करें दोस्तों अगर ऑटोमेटिक 2-साइडेड प्रिंटर की, तो इसमें नहीं दिया गया ऑटोमेटिक 2-साइडेड प्रिंटिंग और यहाँ पर वाईफाई भी नहीं दिया गया। कनेक्टिविटी की बात करें, तो यहाँ पर सिर्फ USB 2.0 से आप कनेक्ट कर सकते हैं।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मोबाइल से प्रिंट नहीं कर सकते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो देख लीजिए मेरी ये वाली, तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपने मोबाइल से भी सारा वर्क कर सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल प्रिंटर हो चाहे वो वाईफाई प्रिंटर हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम वारंटी की, तो यहाँ पर 1 ईयर यानी 1 साल की वारंटी मिलती है, प्लस 30,000 प्रिंट्स की भी वारंटी मिलती है, यानी दोनों क्राइटेरिया में से जो भी क्राइटेरिया पहले कंप्लीट हो जाता है आपकी वारंटी वहीं पर समाप्त कर दी जाती है। प्रिंट कॉस्ट यहाँ पर 12 पैसा से 18 पैसा यहाँ पर पड़ती है, यहाँ पर अप्रॉक्स बताई गई है, कोई एकदम फिट प्रिंट कॉस्ट यहाँ पर नहीं दिखाई दी गई है। बात करें दोस्तों अगर पेपर साइजेस की, तो यहाँ पर 4x6 साइज, 5x7, अदर कई सारे पेपर साइजेस सपोर्टेड है ये प्रिंटर, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से पेपर यहाँ पर सपोर्ट होते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारा डाटा दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बात करें इस प्रिंटर की प्राइस की, मेन टॉपिक है यहाँ पर, तो प्रिंटर का जो प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा वो 13,999 यानी करीब 14,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा इसकी खुद की वेबसाइट पर। अमेजोन पर 3215 या 3216 का आप प्राइस देख सकते हैं। अगर आपको सस्ता लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां से आप बाय कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत और बहुत ज़्यादा बेस्ट प्राइस में देखने को मिल जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो, कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बेझिझक, और मैं तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मसालेदार किसी बेस्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।